खुदा सुभान ने नजात देनी चाहिए किसको? इबलीस को। कहा आदम को क्या करो, सजदे ताजीम करो। अबा इनकार किया, क्यों ना पस्तकबरा, इस्तकबार किया, वो कान में नलका और मुनकरीन में से बन गया। उसको मालूम था मुझे कौन दस्तूर दे रहा, हाँ खुदा, और उसको खुदा मानता था या नहीं मानता, फिर क्या नहीं मानता था? मुकाम रुबूबियत तशरीई में तुम मुझे जो ऑर्डर दे रहे हो ये ऑर्डर सही नहीं है। तो खालिक है, तो मालिक है, मेरी जान तुमसे है, मेरा सब कुछ तुमसे है, लेकिन तू सही लेजिस्लेटर नहीं है। नौज़ुबिल्लाह मुझसे सीखो, क्या सीखना है? कि मैं आदम से अच्छा हूं, को तू खुद लेजिस्लेटर बनना चाहता है मेरे ऊपर, मुझे सिखाना चाहता, मैं जो कह रहा वही करो, यही आलम हुआ। खुदा का मजहर कौन है? इमाम हुसैन अलैहि सलाम। इमाम हुसैन ने क्या कहा? पूरे दिन समझाया किनको? हाँ, इन लोगों को जिन्होंने अपनी जान माल सारा बेच दिया था, किसको? रुपये को, पोस्ट को, किस किस दुनियाई चीज को। इमाम हुसैन कह रहे मैं इमाम हूँ या नहीं हूँ, मैं हुज्जत खुदा हूँ या नहीं, नबी का लाल हूँ या सैयद शबाब अल जन्ना हूँ या नहीं, वाजिब इताअत हूँ या नहीं। नाम नाम नाम, बला बला बला, सब कुछ सही है। तो आप क्या कहते हो? हम ये कहते हैं कि तू यजीद की बैत कर। बाबा मैंने तुम्हारी इताअत कर ली, तुमने मेरी इताअत करनी। देखा, बस ये लोग किसके मजार बने थे? शैतान के।